फिजर डीन एम्ब्रोस ने WWE की कर दी बेइज्जती और यार अब WWE रेसलमेनिया लंदन में होने वाला है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। तो ये ऐसा होता है कि रेसलमेनिया 40 में जब यार शील्ड का थीम सॉन्ग प्ले होता है, तब यार बंदों को लग रहा था कि डीन एम्ब्रोस आने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर डीन एम्ब्रोस की जगह सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। और तभी यार वो वहाँ पर जापान में सोए हुए होते हैं, वहाँ पर उनके दोस्त के मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि तुम, हमें लगा कि रेसलमेनिया में तुम आने वाले हो, लेकिन वहाँ पर हमारे डीन एम्ब्रोस बेइज्जती करते हुए बोलते हैं कि मैं तो जापान में सोया हुआ था। और यहाँ पर क्या ही बेइज्जती की यार, ऐसा नहीं कि मैं भी देख रहा था, ऐसा कि मैं सीधा सोया ही हुआ था। अब आगे देन बात करते हैं हम, देन ये फोटो इसको देखो यार, इसको देख कर यार थोड़ी खुशी मिली, लेकिन अभी के लिए ये नहीं होने वाला, ये कुछ महीनों बाद ही होगा, लगभग अभी तो बिल्कुल नहीं है। देन हम बात करते हैं अगली न्यूज़ जो जुड़ी हुई है, वो है रेसलमेनिया से। तो रसल OPS की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आई है कि नेक्स्ट जो रेसलमेनिया होने वाली है वो लंदन में होंगी। तो देन हम बात करते हैं क्रिस जेरिको और एज की, एज और क्रिस जेरिको की 2016 की राइवलरी की फ़ोटो देखो, और इसी जगह आप 2024 की फ़ोटो देखो यार, कितने यार अमेजिंग फ़ोटो निकल के आई है। तो इसको भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो यार आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सबको राधे राधे।